स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज से हम अपने जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज डे टू है और आज से हम देखेंगे भारत का इतिहास। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम भारत का इतिहास देखेंगे, यानी कि हिस्ट्री हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुत ज्यादा विश्व का या किसी और जगह का नहीं पढ़ना है, हमें केवल भारत के इतिहास के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो हम सबसे पहला जो अपना टॉपिक लेंगे वो है प्राचीन भारत। मैंने आपको बताया था कि तीन टॉपिक में हम इसे बांटेंगे, तो पहला होगा प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो यहाँ पे हम प्राचीन भारत लेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या जानेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम किस तरह से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें देखने होंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो कैसा है, मतलब जब भारत की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में भारत में क्या क्या था, कैसा था। तो धर्म ग्रंथ ऐसी चीज है जो कि बहुत बहुत ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, जो कि इतिहास के हमें ग्रंथ मिले हैं, पुराने लेखकों द्वारा लिखे गए ग्रंथ मिले हैं, वो ग्रंथ या फिर जो उसी टाइम पे बाहर से विदेशियों ने आके ग्रंथ लिखे थे, विदेशियों का विवरण में आ जाएंगे वो ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली ग्रंथों के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद ये आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में वो चीजें आ जाएंगी जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो समय था, मतलब कितने पुराने समय से मनुष्य मिला, उसने किस चीज की खेती सबसे पहले की, कौन सा कपड़ा पहले पहना, किस धातु का उपयोग पहले किया। तो ये सब चीजें हमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में देखने के लिए मिलेंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे, धर्म ग्रंथ के बारे में। चलिए यहीं पर हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए हम धर्म ग्रंथों के बारे में जानेंगे। धर्म ग्रंथ में देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक तो पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम पे टाइम बहुत कम है। इन टॉपिक्स के बाद मुझे यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करवाने हैं, तो इसकी वजह से हम लोग ये जो टॉपिक्स हैं उन्हें थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, यानी कि मैं आपको समझाऊंगी क्लियर, लेकिन आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट नोट नहीं करवाऊंगी, पॉइंट बाय पॉइंट आप मेरी बात सुन के आराम से खुद नोट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पुराने टाइम की अगर हम धर्म ग्रंथों को देखें, पहले तो ये जानते हैं कि धर्म ग्रंथों में आता क्या क्या है। धर्म ग्रंथों में क्या क्या चीजें ली जाती है, वेदों को लिया जाता है। ठीक है, वेद आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आएंगे पुराण आएंगे। ठीक है, और क्या आएंगे, उपवेद आएंगे। वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए ही उपवेदों की रचना की गई थी। अगर हम देखें वेद, पुराण और उपवेद, ये सब कहां आते हैं, धर्म ग्रंथ के अंदर आते हैं। तो अगर हम देखें वेदों के बारे में, सबसे पहले अगर हम वेदों के बारे में जाने तो वेदों में देखिए वेद कैसे हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं हमारे। कैसे हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि हमारे सबसे पुराने ग्रंथ कौन से हैं, हमारे सबसे पुराने ग्रंथ होते हैं वेद। ठीक है, जिनके बारे में हम मोस्टली जानते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप सभी को पता होगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, यानी कि हमारे पास कितने वेद अवेलेबल हैं, चार वेद हैं हम पे। कितने हैं, चार वेद हैं। कौन कौन से हैं चार वेद हम पे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन से हैं चार वेद हम पे, चारों वेदों के नाम यहाँ पे आपको मैं लिख के बता देती हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये आपके पास चार वेद हो गए। इन चारों वेदों में भी सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद क्यों रखा गया। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो क्यों रखा गया, क्योंकि ऋग का मतलब क्या होता है, ऋचाएं। ऋचाएं यानी कि आपकी जो श्लोक होते हैं। ठीक है, तो जो
ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान दिया गया है, उसे क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसमें श्लोकों को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी चीजों के बारे में बताया गया है और क्रम से बताया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम ऋग्वेद रखा गया। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जिसमें कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो धर्म ग्रंथ है उनमें सबसे पुराना हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो हमारा सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेदों को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। अच्छा, वेदों की रचना किसने की थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी रचना किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वेद की रचना कई महर्षियों ने मिलकर की है, लेकिन इसके संकलनकर्ता अलग है। संकलनकर्ता इतना याद रखिएगा, संकलनकर्ता, ये संकलनकर्ता कौन होते हैं? संकलनकर्ता वो होते हैं जो कि इकट्ठा करके लिखते हैं, यानी कि हमने बहुत सारे लोगों ने मिलके अलग 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 पार्ट में बुक लिखी। ठीक है, उन सब चीजों को, उन सब टॉपिक्स को मिला के अगर हमने एक जगह इकट्ठा करा, एक इंसान ने उसे इकट्ठा किया और उसके बाद उसे पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? संकलनकर्ता, क्योंकि उसने क्या किया, छोटे छोटे जो हमारे टुकड़े थे उन सबको मिलाया और उसके बाद एक जगह लाके उसे पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पे हमारे संकलनकर्ता कौन हो गए? वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास, है ना। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, महर्षि वेदव्यास का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन हम अभी तक क्या पढ़ते थे कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों की रचना की। नहीं, महर्षि वेदव्यास ने वेदों की रचना नहीं की है, वेदों की रचना बहुत से महर्षियों ने मिलकर की है, लेकिन वेदों का संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन किया था। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेद कौन से कैसे हैं, मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनमें वेदों का क्या स्थान है? वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे वेद कितने भागों में बटे हुए हैं? वेद चार भागों में बटे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी इनकी विशेषताएं हैं वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा देती हूँ। ठीक है, चारों वेदों की जो विशेषताएं हैं, जिससे कि अगर चारों वेदों के अंदर से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरे बोर्ड का, और उसके बाद आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमने क्या पढ़ा, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का पढ़ रहे हैं, यानी कि वो चीजें जिससे कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सके। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों के बारे में हमने जाना, धर्म ग्रंथ में हमारे सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? वेद। ठीक है, फिर आता है पुराण, फिर उपवेद। ठीक है, तो वेदों के बारे में हमने जाना कि वेद हमारे सबसे पुराना ग्रंथ है, उसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। वेदों को चार, मतलब चार वेद होते हैं, चार भागों में बांटा गया है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में पहले मैंने आपको बताया है। ऋग्वेद में देखिए क्या है, तीन इसकी विशेषताएं हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संबंध को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। तो क्या है ऋचाएं, क्या होती हैं? ऋचाएं होते हैं श्लोक, जो कि मैंने आपको बताया कि श्लोकों का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसका जो संग्रह किया गया है वो किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है, इसीलिए इसका नाम ऋग्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद जो है इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद को जो ऋषि पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता द्वारा सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहले तो कि तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। ठीक है, दूसरी चीज कि पहला तो यही हो गया ना कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। दूसरा, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की
बात की गई है तो वो किसमें की गई है, तीसरे मंडल में की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र के बारे में किसमें बताया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। और ये किसने लिखा है, ये महर्षि विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, फिर आते हैं हम यजुर्वेद पे। अगर हम यजुर्वेद में देखें तो यजुर्वेद को यजुर्वेद क्यों कहा जाता है, यजुर्वेद का मतलब होता है बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। ठीक है, यानी कि बलि के टाइम पे जो भी नियम होते हैं, ठीक है, उनका संकलन जो किया गया है वो किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या चीजें मिलती हैं हमें, इसमें यज्ञों के नियम मिलते हैं हमें। ठीक है, यज्ञों के नियम कि किसी भी यज्ञ को किस तरह से किया जाता है, ठीक है, उसके विधि विधान मिलते हैं कि उसके लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत है और किस किस तरह से इसे किया जा सकता है। ठीक है, इस सब का संकलन किस में मिलता है हमें, ये सब भी हमें यजुर्वेद में ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यजुर्वेद को जो महर्षि पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अर्धवर्यु कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अकेला ग्रंथ है, ठीक है, यानी कि अकेला ऐसा वेद है यजुर्वेद जो कि गद्य और पद दोनों ही चीजों में मिलता है। ठीक है, इसमें गद्य और पद दोनों का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ है जो गद और पद दोनों में ही लिखा गया है, तो वहां पे आपका क्या आएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद अकेला ऐसा ग्रंथ है, यानी कि सॉरी, यजुर्वेद अकेला ऐसा वेद है जिसमें कि गद और पद दोनों का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपके यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी कुछ, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए सामवेद। सामवेद के बारे में अगर हम जाने, सामवेद के भी तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जो साम होता है इसका अर्थ क्या होता है, गान, यानी कि इसमें किस चीज का वर्णन किया गया होगा। सामवेद से हमें इसका अर्थ जानते ही पता चल जाता है, ऐसे मंत्र जिनका गान किया जा सके, यानी कि जिन्हें यह करते समय पे गाया जाता है। ठीक है, ऐसे जो मंत्र है वो किसमें है, सामवेद में है। ठीक है, इसके पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्गात्र। ठीक है, उद्गात कहा जाता है सामवेद के पाठनकर्ता को। उसके अलावा इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा वेद ऐसा है जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसके रचयिता कौन है, अथवा ऋषि। ठीक है, अथर्वा ऋषि जो है उन्होंने अथर्ववेद की रचना की है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें सामान्य मनुष्य के जो विचार होते हैं उसके अलावा जो अंधविश्वास है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे भी भाग दिए गए हैं अगर हम अथर्ववेद की बात करें जिसमें कि काला जादू वगैरह के बारे में भी कुछ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सिर्फ मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट था ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था कि इसमें किस चीज के बारे में हमें मिलता है जानने के लिए। तो अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो पृथ्वी सूक्त है, ठीक है, पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त वो माना जाता है, यानी कि पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो ये अथर्ववेद है ये हमारा सबसे नया ग्रंथ, नया वेद है। ठीक है, ये सबसे बाद में लिखे जाने वाला वेद है, यानी कि ये एक नया वेद है। और जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, इस तरह से हमारे चारों वेदों के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे धर्म ग्रंथ आते हैं उसमें आते हैं वेदांग। वेदांग कितने होते हैं, वेदांग होते हैं छह। ठीक है, मैं आपको छह के छह वेदांगों के नाम यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या चीज आती है, वो आते हैं वेदांग। ठीक है, वेदांग, वेदांग क्यों लिखे गए थे, वेदांगों की रचना जो की गई थी वो इसलिए की गई थी जिससे कि ये जो वेद है हमारे इनकी भाषा को सरल किया जा सके। क्योंकि ऐसा था कि वेदों की जो भाषा है, वेदों की भाषा कैसी है, काफी कठिन भाषा है।
है ना। तो ये क्या होता है कि हर कोई तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसके लिए हमें हमने जो की वो वेदांगों की रचना की। ठीक है, वेदांग कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले तो वेदों की संख्या कितनी होती है, 4, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6, और पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है, ये चीजें नोट करने वाली है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 वेदांग, इससे आपको पता लगेगा कौन कौन से 6 वेदांग है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो वेदांग आता है वो आता है शिक्षा, सेकेंड नंबर पे आता है ज्योतिष, तीसरे नंबर पे आता है व्याकरण, चौथे नंबर पर आता है कल्प, पांचवें नंबर पर आता है छंद, और छठे नंबर पे आता है निरुक्त। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 वेदांग हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कितने वेदांग है, 6 वेदांग है, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, छंद और निरुक्त। इन चीजों का आप ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिएगा, आप 6 के 6 नामों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। ठीक है, आपको 3 वेदांग दे देंगे, किसी और चीज का नाम दे देंगे, तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है या कौन सा वेदांग है। ठीक है, एक वेदांग का नाम दे देंगे, बाकी हटा देंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल गया, वेद पता चल गया, वेदांग पता चल गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए पुराण, अब हम पुराणों के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने वेदों के बारे में देखा, वेदांगों के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे पुराणों के बारे में। पुराणों में देखिए पुराण के जो रचयिता है, रचयिता कौन है इसके, लोम हर्ष और उग्रशवा। उग्रशवा कौन है, ये लोम हर्ष के पुत्र है। ठीक है, कौन है ये, पुत्र है। ठीक है, उग्रशवा, इन दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की। कुछ पुराण लोमहर्ष ने लिखे और कुछ उग्रशवा ने लिखे। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा टीपीस में नहीं पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, प्राचीनतम पुराण की अगर हम बात करें, यानी कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण कैसा है, प्राचीनतम पुराण है, यानी कि सबसे पुराना पुराण है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि पुराणों की रचना क्यों की गई थी। पुराणों की रचना जो की गई थी वो खास तौर पे इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय पे महिलाओं को और श्रोताओं को कोई भी वेद पढ़ने का या सुनने का अनुमति प्राप्त नहीं थी, मतलब वो अधिकार नहीं था कि वो किसी भी वेद को या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को छू सके या फिर उसे पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे पुराणों की रचना की गई जिससे कि जो शूद्र थे और जो महिलाएं थी वो भी इन्हें सुन सके। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि महिलाएं और शूद्र जाति के जो लोग थे वो केवल इसे सुन सकते थे, छू नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे, केवल सुन सकते थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और आपके मेन पॉइंट आते हैं जो कि आपके धर्म ग्रंथों से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगनी कहा गया है। ये चीज आपकी नोट करने वाली है कि कौन से ग्रंथ में अर्धांगनी कहा गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगनी कहा गया है। अर्धांगनी शब्द किस ग्रंथ में लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्री को पुरुष की अर्धांगनी कहा गया है। ठीक है, फिर आता है सबसे प्राचीनतम, अगर हम स्मृति ग्रंथ देखें। ठीक है, स्मृति ग्रंथों की संख्या नहीं पूछी जाती, बस आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो ये मोस्टली लोगों को पता होगा कि मनुस्मृति सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हीनयान। हीनयान क्या है, हीनयान एक बौद्ध धर्म के ही, बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। आप मान लीजिए बौद्ध धर्म के कई भाग हुए और उसके बाद ही यहाँ पे एक भाग है ये उसी का, हीनयान। ठीक है, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो क्या माना जाता है, कथा वस्तु। कथा वस्तु ये एक ग्रंथ का नाम है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है जो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, जिन्होंने की जाहिर सी बात है कि
बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। तो महात्मा बुद्ध के जीवन का जो वर्णन मिलता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय या जीवन परिचय, ठीक है, अगर हम देखें तो कथा वस्तु में हमें क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे किया, ये सब हमें किसने जानने के लिए मिलता है? कथा वस्तु में, जो कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैन साहित्य, ठीक है, क्योंकि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दो साहित्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र, ठीक है, इस चीज को भी याद कीजिएगा कि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि संस्कृत भाषा का जो व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, इसे संस्कृत भाषा का या फिर ये कहिए कि सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो ये किस कौन किस नाम से जाना जाता है और किसने लिखा, इसे कहा जाता है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया वो किस नाम से जाना जाता है? अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है महर्षि पाणिनि, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे एक तो याद आता है कि संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, तो अष्टाध्यायी है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। बाकी देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, अभी हम प्राचीन भारत को कंप्लीट करेंगे, प्राचीन भारत को कंप्लीट करने के बाद इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है, जिससे कि क्या है आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कम्प्लीट होती है, आज का टॉपिक हम यही कम्प्लीट करते हैं। उसके बाद कल आने वाले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इससे आगे के जानेंगे। आज यहाँ पे हमने सभी तरह के धर्म ग्रंथों को कम्प्लीट किया है, ठीक है, उसके अलावा हमने ऐतिहासिक ग्रंथ भी यही ले लिए हैं, ठीक है। पहले हमने धर्म ग्रंथ लिए थे जो हम आगे धर्म से जुड़े हुए थे पुराणों तक, उसके बाद हम आगे ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि इतिहास से जुड़े जो ग्रंथ हैं उन्हें भी हमने लिया है, वो हीनयान के आते हैं, जैन साहित्य आता है, जैन धर्म आता है, संस्कृत भाषा का व्याकरण आता है, ठीक है, और प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ आता है, ये सब चीजें जो है ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज की वीडियो में दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, अब आगे जो हमें विदेशी यात्रियों का विवरण करना है वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।